उत्तराखंड में लगातार हो रहे विकास कार्यों के कारण लोगों को विकास से पहले विनाश को झेलना पड़ रहा है। प्रदेश भर में आज अलग अलग जिलों से घरों में दरारें पड़ने की खबरें विगत वर्षों से काफी अधिक देखने को मिल रही हैं। वहीं टिहरी जनपद के सीमांत घनसाली विधानसभा के भिलंग पट्टी के आधा दर्जन से अधिक गांवों में विगत दिनों से भूधसाव और घरों पर दरार पड़ने से ग्रामीणों में खौफ का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों के घरों में बड़ी बड़ी दरारें और खेतों में एक फीट चौड़ी दरार नजर आ रही है। चंदला, सिंधवाल गांव, बीना, भाट गांव, अंकवाड़ गांव, सरोला, जोगियाड़ा, घुगू, भेल, मलेथा, कठवाड़ा सहित आधा दर्जन से अधिक गांव के लोग भूधसाव और दरारों से डरे और सहमे हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि भिलंगना हाइड्रो पावर की निर्मित टनल के कारण भूधसाव की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन और भूगर्भीय वैज्ञानिकों की टीम गाँव में पहुंची और उन्होंने गाँव का दौरा किया। विशेष कर ये अब पता चल रहा है प्राकृतिक आपदा है या ये जो BSP का जो ये हाइड्रो पावर का जो ये टनल नीचे है या उसके कारण से है, ये तो वही वैज्ञानिक बता सकते हैं। हम तो इसके विषय में तो कोई इतना जानकारी नहीं है। हमने पहले कहा विरोध किया भाई कि हमारे क्योंकि जब वो सर्वे कर रहे थे यहाँ पर ना, तो इसी साइड में वो सर्वे कर रहे थे। हमने कहा भाई यहाँ टन की जगह कच्ची हो सकती है, ये टनल दूसरी जगह ले जाओ, पर वो माने नहीं। तो हमने कहा विरोध करने के बाद फिर वो नहीं माने। हम क्या करें, एक तो यहाँ पर कम लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, तो उनके साथ उन्होंने दुनिया भर के डराया, धमकाया, पुलिस की वो धमकी दी, इसलिए जो हम चुप हो गए। तो अपने मन मर्जी से वो टनल आए। पर अब उसी साल जब ये टनल नीचे टनल जो यहाँ हमारे मकान हिलता था, आज नहीं वो समझ ही रहता है। दो चार साल तो थोड़ा स्थिति जो कुछ हुई वो ठीक ही रही। इसके बाद जो है अब ये साल जो है आप ही देख ही रहे सारी कितना जो है यहाँ दरारें पड़ गए। ग्राम प्रधान पवन पवार ने बताया कि 24 मेगावाट की भिलंगना हाइड्रो पावर की जल विद्युत परियोजना की टनल गांव के ठीक नीचे से गुजर रही है, जिस कारण इन गांवों में भूधसाव और दरारें पड़ गई हैं। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि कई बीच प्रशासन और जल विद्युत परियोजना के अधिकारियों को संबंध में अवगत कराया गया, लेकिन किसी ने ग्रामीणों की सुध नहीं ली। आप देख रहे हैं कि एक लगभग एक फीट चौड़ी और एक मीटर डाउन हो गया है पूरी जमीन, और लोगों के जिनके घरों में दरारें आ रखी हैं वो तो इतने ज़्यादा डरे हुए हैं कि उनको इतना दिक्कत हो रही है कि रात अगर थोड़ा सा भी बारिश होती तो मुझे फ़ोन करते हैं कि प्रधान जी इन घर में रहूं या भाई आप व्यवस्था करो, हम कहाँ रहें अभी इस टाइम पे, ये घर नीचे ना आ जाए, इतनी ज़्यादा डरे हुए लोग हैं अभी इस टाइम पे। तो ये ग्रामीण लोगों का या जो सबका मानना है, उनका मानना है कि जो दरारें आ रही है वो ज़्यादातर भिलंगना हाइड्रो पावर की जो टनल है इसी के नीचे से गुजर रखी है, और ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि इसका मुख्य कारण भिलंगना हाइड्रो पावर की जो टनल है वही है। देखिए ये जो दरार पड़ी हुई है लगातार जो है ये DM साहब के भी संज्ञान में है, और ये भिलंगना हाइड्रो पावर जो यहाँ पे बिजली उत्पादन करता है उसकी टनल के ठीक ऊपर ये दरारें पड़ी हुई हैं, और इस कारण जो ज़्यादा भय का माहौल लोगों में पैदा है कि इसके नीचे जो टनल है और उसके ऊपर ठीक ऊपर जो दरारें पड़ी हुई हैं। तो आज जो है भूगर्भीय की टीम के साथ में तहसीलदार घनसाली और राजस्व के पटवारी और हम सब लोग जो है पुनः जो है आज उनके उन लोगों के साथ में जो भूगर्भ की टीम आ रखी थी उन्होंने निरीक्षण किया है, और निरीक्षण में ये देखा गया है कि दिनों प्रतिदिन वो दरारें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। भिलंग पट्टी के कई गांव में भूधसाव और दरारें पड़ने की सूचना के बाद तहसील प्रशासन और भूगर्भीय वैज्ञानिकों की टीम ने गांव का दौरा कर भूधसाव और दरार वाले स्थानों का निरीक्षण किया। तहसीलदार महेश शाह ने कहा कि गांव के निरीक्षण के दौरान खेतों और मकानों में से एक फीट के अधिक दरारें दिखाई दे रही हैं। रिपोर्ट उपजिलाधिकारी को प्रेषित की जाएगी। देखिए मैं हम आज जो है जियोलॉजिस्ट साहब हुए, मैं हुआ, और हमारी राजस्व टीम तथा AERDD और JE के साथ हमने ग्राम चंदला, वीना और आदि गांवों में सर्वेक्षण किया। ये देखा कि कई खेतों में और मकानों के नीचे कुछ दरारें हैं, करीब एक फीट के करीब दरारें देखी गई और काफ़ी लंबाई में हैं। अब ये कहना भी स्पष्ट या संभव नहीं है जब तक जियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट या भूगर्भीय सर्वेक्षण की स्पष्ट रिपोर्ट नहीं आती किस कारण ये दरारें हैं, ये तभी क्लियर हो पाएगा। चमोली के जोशीमठ में हुई भूस्खलन की घटना से देश दुनिया वाकिफ है, जबकि टिहरी के गुल्लर और भिलंग पट्टी में भी पिछले वर्ष इस तरह की खबरें सामने आई हैं, और अब भिलंग पट्टी के आधा दर्जन से अधिक गांवों के लोगों के लिए आने वाला समय किसी मुसीबत से कम नहीं है। ग्रामीण जहां एक तरफ विस्थापन की मांग कर रहे हैं, वहीं भविष्य में इस भूधसाव से घुत्तू बाजार सहित घनसाली तक नदी किनारे बसे लोगों के लिए भी बड़ी आफत के संकेत हैं। टिहरी से संवाद 365 के लिए पंकज भट्ट की रिपोर्ट।